ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिटेनिंग वॉल के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रैंकाइंस थ्योरी द इंटेंसिटी ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर पी ए ट्राइंग टू मूव द रिटेनिंग वॉल ऑफ हाइट एच अवे फ्रॉम द डक्टाइल इज गिवन बाय। क्या पूछ रहा है हमसे कि अकॉर्डिंग टू रैंकाइंस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, जो एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी जो रिटेनिंग वॉल को मूव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगी? ऑप्शन ए में दे रखा है पी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एच कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव। बी दे रखा है पी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एच कॉस ऑफ 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस कॉस फाइव। इसी तरह सी में दे रखा है पी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एच कॉस ऑफ 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। डी में दे रखा है पी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एच कॉस ऑफ 1 प्लस कॉस फाइव अपॉन 1 माइनस कॉस फाइव। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हम जानते हैं जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, पी ए इज इक्वल टू के ए डॉट गामा डॉट एच। ठीक है, गामा यहाँ पे यूनिट वेट है। ठीक है, के ए डॉट गामा डॉट एच, और के ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, के ए की वैल्यू अगर हमारे पास अगर नॉर्मल लेवल्ड है, ठीक है, लेवल्ड सरचार्ज है, तो हमारे पास हो जाएगी 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव डॉट गामा डॉट एच। यहाँ पे गामा को डब्ल्यू लिखा हुआ है, तो देख लीजिए कौन सा सही है। यहाँ पे सी यहाँ पे सही हो जाएगा, डब्ल्यू एच इक्वल टू 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। ठीक है, 1 माइनस साइन फाइव 1 अपॉन अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे के ए की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ओवरटर्निंग मूवमेंट ड्यू टू एक्टिव अर्थ प्रेशर एट टॉय ऑफ रिटेनिंग वॉल इज, क्या पूछ रहा है हमसे कि ओवरटर्निंग मूवमेंट क्या होगा एक्टिव अर्थ प्रेशर की वजह से रिटेनिंग वॉल के टॉय पे, तो वो क्या होगा हमारे पास। ठीक है, तो जो ओवरटर्निंग मूवमेंट होता है वो कितना होता है, मूवमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और जो एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है वो क्या होता है, एक बटे दो डॉट के डॉट गामा डॉट एच स्क्वायर। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ पे एक्ट करेगा, एच बाई थ्री पे एक्ट करेगा, इंटू एच बाई थ्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू के डॉट गामा डॉट एच क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गामा एच क्यूब अपॉन 6 कोष्टक 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, यानी मैं गामा को डब्ल्यू लिख रहा है, यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी डब्ल्यू एच क्यूब अपॉन 6 कोष्टक 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। ठीक है, जहाँ पे मूवमेंट की बात आएगी वहां पे हमको किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये मूवमेंट हो गया, और फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ये एक बटे दो के डॉट गामा स्क्वायर, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास नोट है, देखो इंटेंसिटी ऑफ फोर्स या फिर इंटेंसिटी ऑफ फोर्स क्या होती है, के डॉट गामा डॉट एच, जो हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अब एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या हो जाएगा, एक बटे दो के डॉट गामा डॉट एच इंटू एच, जो प्रेशर डायग्राम का एरिया था वो एक्टिव अर्थ प्रेशर हो जाएगा, यानी एक बटे दो के डॉट गामा डॉट एच स्क्वायर। ठीक है, मूवमेंट क्या हो जाएगा, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच बाई थ्री पर एक्ट करेगा एक्टिव अर्थ प्रेशर, तो इसको एच बाई थ्री से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मूवमेंट मिल जाएगा, यानी कि एक बटे दो के डॉट गामा डॉट एच स्क्वायर इंटू एच बाई थ्री, यानी कि के बाई सिक्स गामा डॉट एच क्यूब। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, इसे तीन क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ए बट्रेस इन ए वॉल इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड, ए बट्रेस इन ए वॉल इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड। बट्रेस जो होता है ना, बट्रेस टाइप की रिटेनिंग वॉल होती है, उसमें बट्रेस क्यों प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन ए लेटरल सपोर्ट टू रूफ स्लैब ओनली, ऑप्शन बी लेटरल सपोर्ट टू वॉल, ऑप्शन सी टू रेसिस्ट वर्टिकल लोड ओनली, ऑप्शन डी लेटरल सपोर्ट टू रूफ बीम ओनली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेटरल सपोर्ट टू वॉल। ये जो बटरेस जो हम प्रोवाइड करते हैं वो क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो ये स्टेम है या फिर जो वर्टिकल वॉल है इसको ये लेटरल सपोर्ट यानी आडा सपोर्ट दे सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन द डिजाइन ऑफ ए मेसनरी रिटेनिंग वॉल द ऑप्शन है वर्टिकल लोड शेल फॉल विद इन द मिडिल थर्ड ऑफ बेस विद, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट शुड एक्ट एट एच बाई थ्री फ्रॉम बेस, ऑप्शन सी रिजल्टेंट लोड शुड fall within a distance of 1/6 of base with on either side over its midspan. ठीक है, ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, resultant load should fall within a distance of 1/3 of base with on either side of its midspan. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, इन द डिजाइन ऑफ ए मेसोनरी रिटेनिंग वॉल द रेसिस्टेंस लोड शुड फॉल विथिन ए डिस्टेंस ऑफ 1/6 ऑफ बेस, 1/6 ऑफ बेस विथ on either side or its midspan. ठीक है, रट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट रिटेनिंग वॉल
शेयर की इज प्रोवाइडेड इफ देयर, मैंने पहले बताया था शेयर की कब प्रोवाइड करते हैं, जब जो हमारे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो मतलब कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग है वो क्या होता है 1.55 से कम हो जाता है तब प्रोवाइड की जाती है, या फिर जब रिटर्निंग बार स्लाइडिंग में फेल हो जाती है। ठीक है, तो ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, देखो ऑप्शन देखते हैं। शेयर स्ट्रेस इन द वर्टिकल स्टेम इज एक्सेसिव, शेयर स्ट्रेस एक्सेसिव हो जाता है। ऑप्शन बी, शेयर फोर्स इन टॉय स्लेव इज मोर देन दैट इन द हिल स्टेम, जब टॉय में शेयर स्ट्रेस ज्यादा होता है हिल स्लेव की तुलना में। ऑप्शन सी, रिटर्निंग वॉल इज नॉट सेफ अगेंस्ट स्लाइडिंग, रिटर्निंग वॉल स्लाइडिंग के अगेंस्ट सेफ नहीं हो। ऑप्शन डी, रिटर्निंग वॉल इज नॉट सेफ अगेंस्ट ओवरट्रेनिंग। ठीक है, तो मैंने बताया था शेयर की किसके लिए प्रोवाइड करते हैं, स्लाइडिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ड्यू टू ओवरटर्निंग ऑफ द रिटर्निंग वॉल इज जनरली टेकन एज, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ओवरटर्निंग रिटर्निंग वॉल के लिए कितना लेते हैं। मैंने बताया फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.55 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 1.55 से ज्यादा होना चाहिए, तो वो कितना लेते हैं, हम दो लेते हैं, जनरली हम दो ही लेते हैं। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दो लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्राफोर्ट इन रिटेनिंग वॉल सपोर्ट्स द, ऑप्शन ए स्टीम, ऑप्शन बी टॉय स्लैब, ऑप्शन सी हील स्लैब, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो जो कंट्राफोर्ट होता है रिटेनिंग वॉल वो किसको सपोर्ट करता है, किसको सपोर्ट करता है कंट्राफोर्ट, हील स्लैब को सपोर्ट करता है। ठीक है, ध्यान रखना हील स्लैब को सपोर्ट करता है, वैसे सपोर्ट तो स्टेम को भी करता है, लेकिन अगर ध्यान रखना ज्यादा सपोर्ट किसको करता है, हील स्लैब को करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्राफोर्ट जनरली वेरिंग फ्रॉम ऑफ हाइट ऑफ द वॉल। ठीक है, कॉन्ट्राफोर्ट होते हैं वो उनकी स्पेसिंग क्या होती है जनरली। ठीक है, तो उनकी स्पेसिंग होती है 1/3 to 1/2। ठीक है, कितनी होती है हाइट की, h/3 से h/2 तक होती है। ठीक है, ध्यान रखना इस इंटरवल में काउंटरफोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल शुड नॉट बी यूज्ड फॉर हाइट मोर देन। ठीक है, कितनी हाइट से ज्यादा के लिए हम कैंटिलीवर वॉल यूज नहीं कर सकते हैं, तो वो होती है 7 मीटर, लेकिन यहाँ पे 7 मीटर नहीं दे रखा, तो यहाँ पे 6 मीटर लेंगे। ठीक है, 6 मीटर से ज्यादा के लिए हम कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल यूज नहीं करते, फिर हम काउंटरफोर्ट यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल द स्टीम डिजाइन शेयर फोर्सेस, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में हम जो स्टीम डिजाइन करते हैं तो उसमें डिजाइन शेयर फोर्स क्या लेते हैं, क्या लेते हैं हम, 1/2 KA.γ.HS का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 KA.γ.HS का स्क्वायर, ये हम डिजाइन शेयर फोर्स लेते हैं। ठीक है, जो ये एक्टिव अर्थ प्रेशर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल द स्टीम डिजाइन मूवमेंट इज, पहले स्टीम डिजाइन फोर्स दिया था, अब मूवमेंट की बात आ रही है। ठीक है, जहां पर अगर मूवमेंट की बात आ गई तो जो फोर्स था उसको h by 3 से और गुणा कर दो। ठीक है, तो 1/2 KA.γ.H² × h/3 1/6 KA.γ.H³। ठीक है, तो कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है। ठीक है, KA/γ.H³। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ए टी शेप्ड रिटेनिंग वॉल मेनली कंसिस्ट ऑफ, जो टी शेप की रिटेनिंग वॉल होती है मेनली क्या क्या कंसिस्ट करती है, 1 cantilever, 2 cantilever, 3 cantilever, 4 cantilever, तो क्या कंसिस्ट करती है वो, 3 cantilever। ठीक है, एक जो टी शेप की रिटेनिंग वॉल होती है वो जनरली 3 cantilever कंसिस्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मेन रेनफोर्समेंट इन द हील ऑफ ए टी शेप आरसीसी रिटेनिंग वॉल इज प्रोवाइडेड ऑन। ठीक है, मैंने बताया था कि टॉय में क्या करते हैं, बॉटम में प्रोवाइड करते हैं और हील में टॉप में प्रोवाइड करते हैं रेनफोर्समेंट। तो देख लो यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन है टॉप फेस परपेंडिकुलर टू वॉल। ठीक है, उससे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हील में कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, टॉप फेस में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये रही हील, इसमें के टॉप फेस में प्रोवाइड करते हैं, टॉय में बॉटम में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, टॉप फेस परपेंडिकुलर टू वॉल, ये जो वॉल है ना ये इसके तो परपेंडिकुलर है, इसे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टोटल प्रेशर ऑन द वर्टिकल फेस ऑफ ए रिटेनिंग वॉल, ठीक है, ऑफ हाइट एच एक्सटेटेड बाय द रिटेन्ड अर्थ वेगिंग डब्ल्यू पर यूनिट वॉल्यूम हैविंग एन एंगल ऑफ
सरचार्ज अल्फा इज, क्या बोल रहा है ये हमें, टोटल प्रेशर क्या होगा। देखो टोटल प्रेशर क्या होता है, एक बटे में दो के डॉट गामा डॉट एच इंटू एच, यानी कि जो एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है वो टोटल प्रेशर होता है। तो एक बटे में दो के डॉट गामा डॉट एच स्क्वायर, ठीक है, एक बटे में दो के डॉट गामा डॉट एच स्क्वायर ये होता है। लेकिन यहाँ पे बात आ रही कि ये इंक्लीन है, ठीक है, एंगल तो मेरे मैंने बताया था, जब अगर इंक्लीन ना हो तो के की वैल्यू क्या होगी, 1 - sin π / 1 + sin π, ठीक है। लेकिन अगर इंक्लीन हो तो उस टाइम पे के की वैल्यू बदल जाएगी, क्या हो जाएगी उस टाइम के की वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, दैट टॉय प्रोजेक्शन ऑफ फाउंडेशन स्लैब इज टेकन, ठीक है। ऑप्शन है एज 1/3 ऑफ द बेस, ऑप्शन बी एज 1/6 ऑफ ओवरऑल हाइट ऑफ द वॉल, ऑप्शन सी equal to the hill slab, option D below the ground surface, ठीक है। जो टॉय प्रोजेक्शन कितना लेते हैं, बेस विड्थ का b/3 लेते हैं, तो 1/3 हो गया, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा यहाँ पे, एज 1/3 ऑफ द बेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन द हिल स्लैब ऑफ ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल मेन रेइनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट, ठीक है। होती हुई बात होगी, हिल स्लैब में कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, टॉप में प्रोवाइड करते हैं, तो ये टॉप ऑफ स्लैब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, इन इन टी शेप आरसीसी रिटेनिंग वॉल द मेन रेइनफोर्समेंट इन द स्कीम इज प्रोवाइडेड ऑन, तो टी शेप की आरसीसी रिटेनिंग वॉल होती है, जो मेन रेइनफोर्समेंट स्टेम में हम कहां पे प्रोवाइड करते हैं, ऑप्शन ए द फ्रंट फेस इन वन डायरेक्शन, ऑप्शन बी द फ्रंट फेस इन बोथ डायरेक्शन, ऑप्शन सी द इनर फेस इन वन डायरेक्शन, द इनर फेस इन बोथ डायरेक्शन, तो यहां पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, द इनर फेस इन वन डायरेक्शन, ठीक है। ध्यान रखना, अगर कोई टी शेप की रिटेनिंग वॉल है तो उसमें जो स्टेम में जो मेन रेइनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो कहां पे प्रोवाइड करते हैं, वो इनर फेस में प्रोवाइड करते हैं इन वन डायरेक्शन, केवल एक डायरेक्शन, ठीक है, ध्यान रखना, ये रटने वाली चीजें रटनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द वर्टिकल रिटेनिंग वॉल ऑफ द आरसीसी कंट्रफोर्ट इज डिजाइन एट, क्या बोल रहा है, द वर्टिकल रिटेनिंग वॉल ऑफ द आरसीसी कंट्रफोर्ट इज डिजाइन एज, जो कंट्रफोर्ट रिटेनिंग वॉल होती है उसकी वर्टिकल रिटेनिंग वॉल यानी कि स्टेम की बात करते हैं, डिजाइन किस तरह से डिजाइन करते हैं, कैंटिलीवर इज सिंपली सपोर्टेड स्लैब, कंटीन्यूअस स्लैब, नॉन ऑफ दिस, तो किस तरह से डिजाइन करते हैं, कंटीन्यूअस स्लैब, ध्यान रखना। मैंने पहले बताया था कि जो कंट्रफोर्ट रिटेनिंग वॉल होती है उसमें जो हील और स्टेम का जो हम डिजाइन करते हैं वो एज ए कंटीन्यूअस स्लैब रहते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए रेनफोर्स कॉन्क्रीट रिटेनिंग पोर्च हैज थिकनेस टी, द मेन reinforcement steel will be placed, क्या बोल रहा है, a reinforced concrete cantilever porch has thickness t, the main reinforcement steel will be placed, कहाँ पे place करेंगे, option a at mid thickness, option b at t/3 from the top, option c close to the bottom surface, option d close to the top surface, यहाँ पे answer हो जाएगा d आ जाएगा यहाँ पे close to the top surface, ठीक है। ये देखो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जो कैंटिलीवर होती है उसमें हम रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करते हैं, कैंटिलीवर का टेंशन जोन ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, तो वहां पर ऊपर प्रोवाइड करते हैं, तो क्लोज टू द टॉप सरफेस के ऊपर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये रेनफोर्स कॉन्क्रीट कैंटिलीवर पोर्च की बात आ रही है, ठीक है, पोर्च की, ये कैंटिलीवर बीम का क्वेश्चन है, रिटेनिंग वॉल में डाल दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग आरसी रिटेनिंग वॉल इज सुटेबल फॉर हाइट बियॉन्ड 6 मीटर, जो 6 मीटर से ज्यादा के लिए हमें यूज करनी है, तो वो कंट्रफोर्ट रिटेनिंग वॉल, ठीक है, तो कंट्रफोर्ट रिटेनिंग वॉल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉर द डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल द मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग इज टेकन एज, कितना लेते हैं मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, 2 लेते हैं, ठीक है। मैंने बताया था 1.55 से ज्यादा होना चाहिए, 1.55 से ज्यादा 2 है, तो 2 लेते हैं मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन ए कंट्रफोर्ट रिटेनिंग वॉल, ऑप्शन ए द वर्टिकल स्लैब इज डिजाइन एज कंटिन्यूस स्लैब, ऑप्शन बी द हील स्लैब इज डिजाइन एज कंटिन्यूस स्लैब, ऑप्शन सी द वर्टिकल स्लैब इज डिजाइन एज कंटिलीवर, ऑप्शन डी द हील स्लैब इज डिजाइन एज कंटिलीवर,
तो मैंने बताया था कि काउंटरपोर्ट रिटेनिंग वॉल में हम स्टेम और हील स्लैब दोनों को एज ए कंटिन्यूस स्लैब डिजाइन करते हैं, तो ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। ठीक है, वर्टिकल स्लैब भी कंटिन्यूस स्लैब की तरह डिजाइन होती है और जो हील स्लैब होती है वो भी कंटिन्यूस स्लैब की तरह डिजाइन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ए टी शेप्ड रिटेनिंग वॉल मेनली कंसिस्ट ऑफ, जो एक टी शेप की रिटेनिंग वॉल होती है वो मेनली क्या कंसिस्ट करती है। ऑप्शन ए वन कैंटिलीवर, बी टू कैंटिलीवर, सी थ्री कैंटिलीवर, ऑप्शन डी फोर कैंटिलीवर। मैंने बताया था कितनी कैंटिलीवर कंसिस्ट करती है, तीन। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन ए टी शेप आरसी रिटेनिंग वॉल द मेन रेनफोर्समेंट इन स्टीम इज प्रोवाइडेड ऑन। ठीक है, तो स्टीम में मेन रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इनर फेस में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और वन डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं, तो इनर फेस इन वन डायरेक्शन। ठीक है, अभी पहले भी क्वेश्चन आया था, ये जो टी शेप की आरसी रिटेनिंग वॉल होती है उसमें जो स्टीम होती है उसमें मेन रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करते हैं, इनर फेस में प्रोवाइड करते हैं और वन डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द मेन रेनफोर्समेंट इन द टॉय ऑफ ए टी शेप्ड आरसी रिटेनिंग वॉल इज प्रोवाइडेड ऑन। तो बोल रहे द मेन रेनफोर्समेंट इन टॉय ऑफ टी शेप आरसी रिटेनिंग वॉल इज प्रोवाइडेड ऑन। ठीक है, अब बात करें टॉय में जो मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, बॉटम में प्रोवाइड करते हैं, हील में टॉप में प्रोवाइड करते हैं, बताया था मैंने। तो ये ऑप्शन ए बोला है टॉप फेस पैरेलल टू द वॉल, ये क्या हो जाएगा, बॉटम फेस है परपेंडिकुलर टू वॉल, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बॉटम फेस परपेंडिकुलर टू द वॉल, ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टेंपरेचर रेनफोर्समेंट इन द वर्टिकल स्लैब ऑफ ए टी शेप्ड आरसीसी रिटेनिंग वॉल इज, क्या बोल रहा है, द टेंपरेचर रेनफोर्समेंट इन द वर्टिकल स्लैब ऑफ ए टी शेप्ड आरसीसी रिटेनिंग वॉल इज, ऑप्शन ए नॉट नीडेड, ऑप्शन बी प्रोवाइडेड इक्वली ऑन इनर एंड फ्रंट फेसेस, ऑप्शन सी प्रोवाइडेड मोर ऑन इनर फेस देन ऑन फ्रंट फेस, ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग मोर ऑन फ्रंट फेस देन on inner face। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रोवाइडेड मोर ऑन फ्रंट फेस देन ऑन इनर फेस। ठीक है, तो टेम्परेचर रेनफोर्समेंट होता है वर्टिकल स्लैब में, वर्टिकल स्लैब यानी कि स्टेम में जो, ठीक है, तो जो होता है वो ज्यादा प्रोवाइड किया जाता है फ्रंट फेस में इनर फेस की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द मेन रेनफोर्समेंट इन द हील ऑफ ए टी शेप्ड आरसी रिटेनिंग वॉल इज प्रोवाइडेड ऑन। क्या बोला, द मेन रेनफोर्समेंट इन द हील स्लैब ऑफ ए टी शेप्ड आरसी रिटेनिंग वॉल इज प्रोवाइडेड ऑन। ऑप्शन ए टॉप फेस परपेंडिकुलर टू वॉल, ऑप्शन बी बॉटम फेस परपेंडिकुलर टू द वॉल, बोथ टॉप एंड बॉटम फेस परपेंडिकुलर टू द वॉल, नॉन ऑफ दीज। तो बताया था जो हील में जो मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड है टॉप में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टॉप फेस और परपेंडिकुलर टू द वॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन ए काउंटरफोर रिटेनिंग वॉल द मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड ऑन द, जो काउंटरफोर रिटेनिंग वॉल होती है उसमें मेन रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, ऑप्शन है बॉटम फेस इन फ्रंट ऑफ काउंटरफोर, ऑप्शन बी इंक्लिन फेस इन बैक ऑफ काउंटरफोर। तो ध्यान रखना, ठीक है, जो काउंटरफोर रिटेनिंग वॉल होता है उसमें मेन रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करते हैं, एक तो बॉटम फेस में प्रोवाइड करते हैं इन फ्रंट ऑफ काउंटरफोर। ठीक है, जो फ्रंट काउंटरफोर होता है मतलब जो आगे का काउंटरफोर होता है ना उसके बॉटम फेस में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और जो इंक्लिन फेस होता है बैक काउंटरपोर्ट पिछला जो काउंटरपोर्ट होता है उसके इंक्लिन फेस पे प्रोवाइड करते हैं, याद रखना, रट लेना इन दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इन काउंटरपोर्ट रिटेनिंग वॉल द मेन रेनफोर्समेंट इन द स्टीम एट सपोर्ट इज, इन काउंटरपोर्ट रिटेनिंग वॉल द मेन रेनफोर्समेंट इन द स्टीम एट सपोर्ट इज नॉट प्रोवाइडेड, ऑप्शन प्रोवाइडेड ओनली ऑन इनर फेस, प्रोवाइडेड ओनली ऑन फ्रंट फेस, प्रोवाइडेड बोथ ऑन इनर एंड फ्रंट फेसेस। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो काउंटरपोर्ट रिटेनिंग वॉल होती है उसमें जो स्टीम में जो मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइडेड खाली इनर फेस में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इनर फेस में प्रोवाइड करते हैं और वन डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन द डिजाइन ऑफ ए फ्रंट काउंटरपोर्ट इन ए काउंटरपोर्ट रिटेनिंग वॉल द मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड ऑन। ठीक है, जो फ्रंट काउंटरपोर्ट डिजाइन करते हैं, ठीक है, उसमें जो काउंटरपोर्ट रिटेनिंग वॉल होती है इन ए काउंटरपोर्ट रिटेनिंग वॉल में जो फ्रंट काउंटरपोर्ट होता है उसमें मेन रेनफोर्समेंट कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, एक तो बॉटम फेस नियर काउंटरपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बॉटम फेस जो नियर काउंटरपोर्ट होता है उसके बॉटम फेस में, और टॉप फेस नियर द सेंटर ऑफ स्पान, स्पान होता है उसके टॉप फेस के वहां पे प्रोवाइड करते हैं, टॉप फेस नियर सेंटर ऑफ स्पान, जो सेंटर ऑफ स्पान होता है उसका जो पास वाला टॉप फेस होता है वहां पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, रट लेना, घोक लेना इन चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है, इन ए काउंटरपोर्ट रिटेनिंग वॉल द मेन रेनफोर्समेंट इन द स्टीम एट मिड स्पान इज प्रोवाइडेड ऑन। क्या बोल रहा है, इन ए काउंटरपोर्ट रिटेनिंग वॉल द मेन रेनफोर्समेंट इन द स्टीम एट मिड स्पान इज प्रोवाइडेड ऑन।
ऑप्शन ए फ्रंट फेस ओनली, इनर फेस ओनली, बोथ फ्रंट फेस एंड इनर फेस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा ए फ्रंट फेस ओनली। इन ए काउंटर फॉर रिटेनिंग वॉल द मेन रेइंफोर्समेंट इन द स्टीम एट मिड स्पान इज प्रोवाइडेड ऑन। मिड स्पान होता है स्टीम का, ठीक है, वो उसमें कहां पे प्रोवाइड करते हैं, खाली फ्रंट फेस में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये दो तीन सवाल ज्यादा ही कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इनको बार बार देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, रट लेना, ठीक है। इन ए काउंटर फॉर रिटेनिंग वॉल द मेन रेइंफोर्समेंट इन द स्टीम एट मिड स्पान इज प्रोवाइडेड ऑन फ्रंट फेस ओनली, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव खत्म इसके।